खेलो इंडिया के आने के बाद से खेलों में नई क्रांति आई है और हर एक वर्ग के खिलाड़ी को उसमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। ऐसे खिलाड़ी हैं कर्नाटक फुटबॉल टीम के कप्तान विशाल, जिनके करियर को खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से नई ऊंचाई मिली। देखिए एक खास रिपोर्ट। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आदर्श मानकर हर चुनौती को बौना साबित करने की इस युवा प्रतिभा का नाम विशाल है। विशाल कर्नाटक फुटबॉल अंडर 18 टीम के कप्तान हैं और इस बार टीम को खेलो इंडिया का खिताब जिताने के लिए बेताब हैं। बेताबी का आलम यह है कि वो खुद को और साथी खिलाड़ियों को एक भी पल अभ्यास से दूर नहीं रखना चाहते और इन सबके पीछे का बड़ा कारण है विशाल का संघर्ष। विशाल बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इनके पिता ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि माँ सरकारी कैंटीन में सफाई का काम करती है। पिता फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए और अब विशाल पिता के इस सपने को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मान रहे हैं। मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। मेरे पिता ऑटो ड्राइवर है और माँ सरकारी कैंटीन में सफाई का काम करती है। मैं अपने राज्य कर्नाटक के लिए खेलकर बहुत गौरवान्वित हूँ। आर्थिक रूप से संघर्ष का चेहरा करीब से देखने वाले विशाल के लिए खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिसे वो इन शब्दों में सामने रखते हैं। दरअसल मेरे पिता फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। मैं उनके सपने को सच कर रहा हूँ। खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ अच्छा खेलने वालों को आगे के लिए मौका मिलता है। विशाल की लगन उन्हें टीम के लिए खास बना रही है। टीम के कोच और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के मुताबिक तकनीकी स्तर पर यह खिलाड़ी बेहद मजबूत है। As a leader, he communicates with the player and he has that patience in keeping the ball position and moving forward to scoring goals and assisting players. And he is like a leader in the field, but even though he is not studied, but he does well in the game. वाकई खेलो इंडिया का मंच विशाल और इनके जैसे कई अन्य खिलाड़ियों के लिए एक ऐसी टॉनिक बन चुका है जो न केवल इनके भरोसे की नींव को गहराई देती है बल्कि लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा के संचार में बढ़ोतरी भी करती है। खेलो इंडिया में हमने ऐसी कई कहानियां देखी हैं और इन कहानियों को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे जरूरी पहलू जो है वो ये है खिलाड़ी का खेल के प्रति रुझान और लगन, क्योंकि ये लगन ही है जो किसी भी खिलाड़ी को उसके असली मुकाम पर पहुंचा कहीं दम लेती है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, इंदौर। और भारत अब हर